तो ताल ठोके की स्पेशल एडिशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबेका लियाकत। अब यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं, उस पर चर्चा। बीजेपी की बंपर जीत हुई। जिन चुनावों को योगी आदित्यनाथ के 8 महीने के कामकाज पर जनता का मैंडेट कहा जा रहा था, उसमें योगी अव्वल नंबरों से या फिर यूं कहिए कि डिस्टिंक्शन से भी अच्छे नंबरों से पास हो गए। लेकिन विपक्ष के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, इन नतीजों की टाइमिंग बहुत खराब रही, क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस निकाय चुनावों में भी साफ हो गई है, बिल्कुल सुपड़ा उसका साफ हो गया है। और अमेठी, जिसे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी कांग्रेस हार गई। और हार के फौरन बाद कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बयान आना और ये कहना कि ईवीएम की वजह से हार जीत हो रही है, ये बताता है कि कांग्रेस यूपी में मिली इस बड़ी हार को हजम नहीं कर पा रही है। और ये हार गुजरात से पहले पार्टी का मनोबल तोड़ने वाली साबित हो सकती है। इस चुनाव से पहले भी जीएसटी का मुद्दा खूब उछाला गया था, लेकिन बीजेपी की जीत बता रही है कि जीएसटी को लेकर नाराजगी की बात पूरी तरह से गलत साबित हुई है। और इसीलिए आज ताल ठोके पूछेंगे कि यूपी का नतीजा गुजरात का ट्रेलर है क्या? बीजेपी ने आज यूपी जीता, 17 दिन बाद गुजरात की बारी है। और यूपी में ऐलान, गुजरात में फिर बीजेपी को कमान। पहली परीक्षा में योगी हिट, गुजरात में बीजेपी क्या सुपर हिट रहेगी? पर सवाल तो ये भी कि मोदी को सर्टिफिकेट कौन देगा, नेता या फिर जनता? लेकिन ताल ठोक के बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। यूपी में बीजेपी की जीत ने दिखाया गुजरात का ट्रेलर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खासकर निकाय ने उनका खाता नहीं खुलवाया, गुजरात के संदर्भ में ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिल्कुल सफाया हो गया है। नगर निकाय ने उनको खाता सफड़ा साफ हो गया है। योगी जी का बहुत बड़ा योगदान इस जीत में साफ झलक रहा है और अपने आप में ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। वही कांग्रेस गुजरात में जीत के जो सपने देख रही है वो सपने बहुत ही जल चकनाचूर हैं। जिन लोगों के अड्डा मानी जाती है वहाँ भाई बड़ी हार हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, अमेठी एक उदाहरण है। और कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है अभी, 652 सीटों में कुल मिलाकर 20-21 से ज़्यादा नहीं है इनके पास, और ये बहुत बड़ा धक्का है उनके लिए गुजरात में। पहली परीक्षा में सुपर हिट रहे सीएम योगी। डीमोनेटाइजेशन के बाद तुरंत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और इन दोनों चुनावों में मतलब बीजेपी को एक प्रकार से 3/4 बहुमत मिला और आज के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उसको फिर रीअफर्म करते हैं। 14 साल का जो कचड़ा चाहे सिस्टम के अंदर चाहे अधिकारियों कर्मचारियों के अंदर जो भरा था उसको निकालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता का जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद के अनुरूप हम उनकी सेवा कर पाए, उस दिशा में हमारी पूरी सरकार एकजुट होकर के आगे बढ़ रही है। जो लोग सत्ता के लिए राम की पूजा करते हैं वो बड़े बड़े प्रपंच करते हैं, उनके पास में एक माँ मशीन भी आ गई है, माँ ईवीएम मशीन, जिसके सहारे वो लोग अभी तक चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात से पहले यूपी में कांग्रेस के लिए बुरी खबर। मैं समझता हूँ कि हताश, निराश और राजनीतिक रूप में बेरोजगार जो हमारा विपक्ष है उसको आत्ममंथन करना चाहिए। मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है उसकी आधारशिला हमने अमेठी से रखी है, चूँकि हमारा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी वहाँ पर एक जो अमेठी के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो जीत हमने हासिल की है 1947 से आज तक कभी भाजपा वहाँ नहीं जीती थी, वो है जायस, उस सीट पर हमने जीत हासिल की है। यूपी का नतीजा गुजरात का ट्रेलर। और चलिए इस वक्त हमारे साथ मुझे ये जानकारी मिल रही है कि हमारे यूपी के बिजली मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं।
श्रीकांत शर्मा साहब का हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने तो बाजी मार ली है, अब ये बताइए गुजरात की बारी है। बहुत धन्यवाद आपके लिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में केसरिया लहराया है, भाजपा का परचम लहराया है, हिमाचल भी जीतेंगे और गुजरात भी जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास में नीति भी है, नेतृत्व भी है और नीतियां भी हैं, और कांग्रेस के पास केवल और केवल झूठ बोलने की मशीन राहुल गांधी के रूप में है। हमने काम किया है, हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास करेंगे, और जो गरीब कल्याण की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की और जमीन तक पहुंच रही हैं, उसका लाभ गरीबों को मिल रहा है, और इसी का परिणाम है कि हम शने शने एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो जो संकल्प था कि भ्रष्टाचार और अपराध को हम पूरी तरह से इस देश से समाप्त करेंगे, तो उस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जनता हमको लगातार आशीर्वाद दे रही है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में जिस तरह से अगर निकाय चुनावों में जनता ने आपको साथ दिया, निकाय चुनावों में जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जीत का हो सकता है, तो फिर गुजरात के निकाय चुनावों में तो कांग्रेस ने बाजी मारी है, फिर उस पैरामीटर पर आप क्या कहेंगे? गुजरात चुनाव में भी हम लोग जीते हैं, पूरे प्रदेश, पूरे देश में जहां देखे वहां चुनाव हुए हैं, हमारी सब जगह अच्छी जीत हुई है। और अभी क्योंकि अभी आप सवाल पूछा जा रहा है लंबे समय से, कहीं पर भी कोई छोटी सी जीत अगर किसी दूसरे दल की होती है तो उसको हमारे दल के साथ जोड़कर ये कहा जाता है कि देखिए अब तो लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, बीजेपी हार रही है। तो इतनी बंपर जीत को अगर आप बीजेपी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो किसके साथ जोड़ेंगे? तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये हमारी नीतियों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं के काम की जीत है। अमित शाह जी का जो यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट रहा 2012 में जो उन्होंने शुरू किया था, आज उसका परिणाम है कि हर बूथ पर अपना कार्यकर्ता खड़ा किया है, और उसका परिणाम यह है कि बूथ पर हम लोग काम करते हैं, हर बूथ पर हम जीतते हैं, और जब बूथ जीतते हैं तो हम प्रदेश भी जीतते हैं। और इस चुनाव में तो योगी जी ने उन तथाकथित उत्तर प्रदेश के जो सो कॉल्ड तथाकथित जो लड़के थे, उनकी जो टिप्पणियां थी, कहते थे कि योगी जी को काम करना नहीं आता है, सरकार चलाना नहीं आता है, तो अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता से उन्होंने उन लड़कों को भी जवाब दिया है और जनता ने आशीर्वाद दिया है कि हमको सरकार चलाना भी आता है और हमको पूजा भी करनी आती है। और इसीलिए अयोध्या को और मथुरा को पहले नगर निगम बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, और जनता ने दोनों ही जगह मथुरा वृंदावन में भी भाजपा का परचम लहराया है और अयोध्या में भी भाजपा का परचम लहराया है। तो अब उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, उत्तर प्रदेश के शहर नरकीय जीवन जी रहे थे, अब वो एक अच्छा जीवन चाहते हैं, वह बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। अब निकाय चुनाव के बाद में जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक अभियान है स्वच्छता का, उसको पंख लगेंगे। हमारे धार्मिक स्थान है जिनको हम सुविधाएं देना चाहते हैं, कि इसकी सूरत, इसकी तकदीर और इसकी तस्वीर आप यूपी की, क्योंकि अब तो आपकी सरकार है राज्य में, निकाय चुनावों में भी आपने अपना झंडा फहरा दिया है, अब दोनों का तालमेल बहुत गजब का रहेगा। अब एक टाइम दे दीजिए कि आप इसको वाकई क्योटो बना देंगे, वो टाइम और वो डेट दे दीजिए। देखिए टाइम और डेट आप हमसे मांग रही हैं जबकि हमने अभी तो काम करना ही शुरू किया है, ये तो आने वाला समय बताएगा आपको कि हम जो हम सुविधाएं देना चाहते हैं अपने धार्मिक स्थानों को, वो सुविधाएं जल्दी से देना शुरू करेंगे। 5 साल का मैंडेट जनता ने हमको दिया है, 5 साल के बाद मुझसे आप सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का जवाब मेरे पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा जी। लेकिन जाते जाते ईवीएम पर सवाल उठा रही है कांग्रेस, अब विपक्ष का ये मानसिक दिवालियापन है, जब वो चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो कहते हैं कि उनकी उनकी नेतृत्व की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, जब वो चुनाव बुरी तरह से हारते हैं तो उसका हार का ठीकरा वो ईवीएम पर फोड़ते हैं। तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि पूरे देश से उनका सफाया क्यों हो रहा है। ये तो बहुत ही बचकाना एक मैं कहूँगा कि बयान है कांग्रेस की तरफ से या अन्य दलों की तरफ से जो लगातार चुनाव में हार रहे हैं। ईवीएम पर ठीकरा ना फोड़ें बल्कि अपनी नीतियों पर चिंतन करें और अपना स्वयं के
पार्टी के व्यवहार पर भी चिंतन करें कि आखिरकार जनता उनको क्यों नकार रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अब जनता की सारी परेशानी जो है वो आप बहुत जल्दी दूर कर लेंगे, हालांकि मुझे अभी ये जानकारी मिली कि बिजली के रेट आपने बढ़ा दिए हैं। बहरहाल इस पर मैं जवाब लूंगी। सुधेंद्र भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए, बीएसपी के नेता हैं, मीडिया में बीएसपी का पक्ष रखते हैं, जेएनयू से वकालत की पढ़ाई की है, इन्वायरमेंट और नागरिक अधिकार के मुद्दों पर काम करते हैं। सुधेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रविदास मेहरोत्रा साहब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 16वीं विधानसभा में लखनऊ सेंट्रल के विधायक रहे हैं और 1979 में पहली बार जनता दल के टिकट पर पूर्वी लखनऊ से विधायक रहे हैं। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता NSUI और यूथ कांग्रेस से पिछले 2 दशकों से जुड़े रहे हैं हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और श्रीकांत शर्मा साहब को आप सुन रहे थे। जल्दी से आप ये डिबेट मुझे ओपन करनी है क्योंकि वक्त यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जी बातचीत में निकला है, इसीलिए 1.5 मिनट नहीं देने वाली हूं। आलोक जी सीधा सीधा सवाल आपसे, सुपड़ा साफ हो गया, एक अदद सीट तक नहीं, अमेठी जो गढ़ है राहुल गांधी का वो तक नहीं आप संभाल पाए। देखिए दो इसके नजरिए हैं रूबिका जी देखने के। हम तो साथ अभी 4 महीने 5 महीने पहले भी जिस तरह से हारे थे, मात्र 7 सीटें आई थी, तो स्वाभाविक है कि हमारी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम सोच रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी 325 सीटें जीती थी आज उसकी क्या हालत हो गई है, वोट परसेंटेज भी घट गया है, नंबर ऑफ कॉरपोरेटर्स भी घट गए हैं। दो इन्होंने नए निगम बनाए थे वहाँ पर अयोध्या, इसमें 3 नगर पालिका थी, तीनों के तीनों जो लोकल बॉडीज 7 वाली की थी नगर पंचायत, तीनों बीजेपी हार गई है अयोध्या की, मात्र शहर जीते हैं वो भी 3,000 वोटों से। मथुरा की बात कर रहे हैं आप, मथुरा में 14 हमारे कॉर्पोरेटर जीते हैं और 2.5 से बीजेपी जीती है, बीजेपी का वोट परसेंटेज भी गिरा है और नंबर ऑफ कॉर्पोरेटर्स भी गिरे हैं। जहां तक आपने अमेठी की बात की है, हम हारे जरूर हैं लेकिन भाजपा भी नहीं जीती है वहां पर, चाहे सपा जीती है चाहे कोई और जीता है, भाजपा वहां पर भी नहीं जीती है। हम इस बात पर भी संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा जो जनता है खासतौर पर शहरों में उससे जो कनेक्ट होना चाहिए वो कम हुआ है, मैं उसको स्वीकार करता हूं और उसी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो सीट हैं वो कम आई हैं, लेकिन हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं और नंबर ऑफ वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम संतुष्टि से बहुत दूर हैं। लेकिन भदौरिया साहब आपको मुबारकबाद, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ना काम कर पाई ना कांग्रेस काम कर पाई, लेकिन बीएसपी जो है वो थोड़ी सी सेन लगा गई। देखिए इस निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहन मायावती जी के नेतृत्व में पहली बार भागीदारी की है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं ने भरसक कोशिश की और हमको तो हमेशा कम आंका जाता है, लोकसभा के चुनाव के वक्त भी हमको चाहे सीटें मिली हों या ना मिली हों पर हम तीसरे नंबर की वोट शेयर की सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही, हमको मीडिया ने राइट ऑफ किया, हमको विधानसभा के चुनाव में भी कम आंका जा रहा था और विधानसभा के चुनाव में भी हमको 23% वोट मिला, सेकेंड लार्जेस्ट वोट मिला वोट शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर। इस चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे कि हम लोगों को कई जगह जीत मिली है कहीं, और हम अधिकांश जगह मुकाबले में भी हैं और साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश में प्रतिशत वोट के शेयर पे 2 नंबर पे भाजपा का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक मजबूत दस्तक दी है इस चुनाव में, निकाय के चुनाव में, आने वाले दिनों के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर माननीय काशीराम जी के विचारों को लेकर चल रही है एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगी। ठीक है रविदास जी आपका क्या कहना है, क्या 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 वाकई इस चुनाव से कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी जो है जीत हासिल कर लेगी वहां पर गुजरात में? आपको एसपी पर तो बात नहीं करनी थी क्योंकि एक अदद सीट नहीं आ पाई है, तो आप कांग्रेस और बीजेपी का ही पक्ष रख लीजिए। देखिए एक बात मैं आपसे कहनी है कि परसीमन हुआ उसमें गड़बड़ियां हुई, हम लोगों ने शिकायत करी कोई सुनवाई नहीं हुई, पोलिंग बूथ बदले गए हम लोगों ने शिकायत करी कोई सुनवाई नहीं हुई, वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए, हमने बार बार कहा कि देखिए इनके नाम जोड़िए लेकिन नाम जोड़े नहीं गए, और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की संभावना व्यक्त करी लेकिन उन शंकाओं को दूर नहीं किया गया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले हैं उससे
ज्यादा वोट, कई गुना वोट जो है वो उसके खिलाफ मिलने का काम हुआ है। आप केवल नगर निगम दिखा रही हैं, लेकिन जो नगर पंचायत हैं, जो और जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। मुख्य बात यह है कि चुनाव, अभी आपने देखा बिजली मंत्री जी आए थे और बिजली मंत्री जी ने तमाम बातें करी, चुनाव अभी खत्म हुआ, चुनाव खत्म होते ही पूरे प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। 18 करोड़ किसान जो हैं उन पर एक्स्ट्रा बिजली का बिल पड़ेगा, जो किसान पहले से ही उसको लागत का मूल नहीं मिल रहा था, जो किसान पहले से ही परेशान था उसके ऊपर बिजली की मार हो गई। मेरा सवाल सीधा था कि ये अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, ये अग्नि परीक्षा के तौर पर आलोक जी देखा जा रहा था, इसलिए क्योंकि ये कहा कि योगी से जनता खुश नहीं है, योगी के कामकाज का ये जो है आकलन साफ तौर पर निकाय चुनाव में हो जाएंगे, और अब जब निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा कि लोकसभा से इनकी वोट परसेंटेज विधानसभा में घटी, विधानसभा से अगर घटकर देखें तो निकाय चुनाव में घटी। जिस मथुरा में आज टाई से जीते हैं, यही मथुरा सीट विधानसभा की जो माननीय बिजली मंत्री की थी वो 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीते थे, आज आपको टाई करा के जीतना पड़ रहा है। अयोध्या का भी यही हाल, 1 लाख वोट से ज्यादा से आप जीते थे, शहरों की अंदर मैक्सिमम सीटें आप 1 लाख वोट से ज्यादा जीते थे, लेकिन आज हालत यह है कि 98 लोग तो परेशानी, आप जीते तो बोल रहे हैं आप वोट शेयर आपका कहां चला गया? मैं बिल्कुल नहीं देखिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकाल ही देना है। नुक्स नहीं है रूबिका जी, 98 641 में से 98 इंडिपेंडेंट अगर जीत रहे हैं तो बीजेपी के विरोध में कितना वोट पड़ रहा है। हम मानते हैं हमारी सीटें कम है, गौरव भाटिया 116 है और वहां पर सपा की 81 है। गौरव भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा बताइए गौरव भाटिया साहब, जीत भले ही गए हैं लेकिन ये फीकी फीकी जीत है, आरोप आपके आपकी तरफ जो है। अच्छा, मेरे साथ वो नहीं जुड़ पाए हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सुधीर भदौरिया साहब, आप भी इस चीज से अग्री करेंगे, जीती तो क्या हुआ लेकिन फीकी है ये जीत? सर, जीत तो जीत होती है। देखिए, ऐसा है, अगर आप ये देखें कि ओवरऑल संदर्भ में देखें तो आप देखेंगे कि लोकसभा में जितना प्रतिशत वोट मिला मोदी जी को, उतना वोट उनको विधानसभा में नहीं मिला, और विधानसभा में जितना वोट उनको मिला अब की बार उनको निकाय के चुनाव में नहीं मिला। तो ये लगातार बीजेपी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है, और आप देखिएगा अभी ये चुनाव स्थानीय सवालों पर हुआ है, और जब ये चुनाव होगा राष्ट्रीय सवालों पर और प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, तब आप देखिएगा कि मोदी जी और योगी जी की ये जो जोड़ी है इस पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक जनता ने नोटबंदी पे भी लगाया है और GST पे भी लगाया है, और किसानों की आत्महत्या, काला धन, बेरोजगारी, ये सारे सवाल खड़े होंगे और इनके पास उत्तर नहीं होगा। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? अच्छा, अभी भी उनके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जवाब इसका सीधा सीधा वही देने वाले हैं। लेकिन सर, ये बताइए कि ऐसा क्या है कि ना BSP, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, आप लोग कह रहे हैं कि सब गड़बड़ चल रहा है देश में, कुछ भी ट्रैक पर नहीं चल रहा है, लेकिन जनता जो है वो बीजेपी को ही लगातार वोट किए जा रही, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो आप देख लीजिए राज्य के चुनाव हो या फिर अब निकाय चुनाव हो। देखिए, बिहार का इलेक्शन आपने देखा क्या हुआ, बिहार में मोदी साहब का सूपड़ा साफ हुआ, दिल्ली के अंदर क्या हुआ, सूपड़ा साफ हुआ, गोवा में क्या हुआ, इनका मुख्यमंत्री भी हार गए और 8 में से 6 मंत्री हार गए, मणिपुर में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में बीजेपी का खाता नहीं खुला, बीजेपी पार्टी का। तो मैं समझता हूं कि इसको एकांकी करके ना देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए। बीजेपी की जिस तरह की नीतियां हैं, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कि साहब इनके ऊपर मोहर लग गई, आपने क्राइम रेट बढ़ गया उत्तर प्रदेश में, आलू का किसान हापुड़ से लेकर गोरखपुर तक किस तरह से क्या हालत है सड़कों पर डाल रहा है। मोदी जी जहां स्वयं वोट डालते हैं वो वार्ड हार गए आज वहां पर बहुत बुरी तरह से। केशव प्रसाद मौर्य जी का जिला, पूरी तरह से जिला हार गए, आप जिला पंचायत भी हार गए और जिस तरह से वहां पर निकाय के जो चुनाव थे वो भी हार गए। तो मैं समझता हूँ बाई इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, गुरदासपुर में 2 लाख वोटों से बीजेपी हारी है, गुजरात के अंदर तमाम लोकल बॉडी के चुनाव हारे, चित्रकूट अभी हारे हैं। 4 मिनट बाद ही सही वो जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए, बार बार आरोप अब आपके ऊपर ये लग रहा है, हालांकि बधाई आपको, आपने निकाय चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं फीकी है ये जीत, वोट शेयर घट गया है,
देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी जीत दी है उत्तर प्रदेश में, और ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, श्री अमित शाह जी ने जो प्रबंधन किया और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कम समय में 7 महीने में जिस तरह से तेज गति से कार्य किया है। आपने कहा जवाब दीजिए, और मैं कहना चाहता हूं आज जवाब हमें नहीं देना है, जनता ने पूरी तरह से आज हम लोगों पे मुहर लगाई है, हमारे काम पे मुहर लगाई है, जवाब देना है गब्बर सिंह टैक्स जिसने कहा था उसको, जवाब देना है उसको जो हाफिज सईद से आलिंगन करने की बातें करते थे और आज कांग्रेस को सांत्वना देने के लिए भी हाफिज सईद ही आएंगे जो उनको जादू की जफ्फी देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है आज जो ये निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं इसका बहुत दूर तक असर होगा, गुजरात के इलेक्शन में भी इसका असर होने वाला है। गुजरात में नहीं तो एक सीधा से सवाल है, अगर यूपी के निकाय चुनाव गुजरात में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं तो गुजरात के हुए निकाय चुनाव कांग्रेस को क्यों नहीं फायदा पहुंचा सकते? 31 में से 23 सीटें उसने जीती है, तो यूपी के नतीजे क्या गुजरात का ट्रेलर है? यही सवाल आज 6 बजे हमने उठाया और अब तक हमारे मेहमानों ने इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी है जल्दी से एक रिकैप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब पूछा गया बहस में क्या कुछ अब तक हुआ है, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए ये रविदास मेहरोत्रा भी कह रहे थे, गुजरात चुनाव में इस जीत का फायदा होगा गौरव भाटिया ने अभी ये बात कही, वोटर लिस्ट से हमारे समर्थकों के नाम हटाए गए यही बात सुधीर भदौरिया साहब ने की, अब डिबेट में वापस लेकर आ रही हूँ। हाँ तो बताइए गौरव भाटिया साहब, अगर निकाय चुनाव से आप गुजरात जीत का सपना देख सकते हैं तो निकाय चुनाव तो गुजरात में भी हुए हैं, फिर जीत का सपना आप कांग्रेस क्यों ना देखे गुजरात में? नहीं देखिए, जो गुजरात के निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत में अच्छा किया था, और रूबिका जी दूसरी बात सबसे अहम है कि इतनी पास उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव होता है उसका असर गुजरात में ज़रूर होगा, लेकिन जैसा आपने कहा सही कहा, ये ट्रेलर है और पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग हैं जब 18 तारीख को परिणाम आएंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के तब असली चर्चा होगी। ईवीएम को कहना कि ईवीएम जो है हैक हो जाती है, या ऐसी बात करना कि देखिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खुद जो है रैली कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे योगी जी हों जमीन से जुड़े हैं, लोगों के साथ रह के उनसे बात करते हैं, और कांग्रेस के युवराज कहाँ है आज सवाल ये है, जो गब्बर सिंह टैक्स कहता था वो आज कहाँ छुप गया है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और तब भी इनको ये नहीं कि आत्मचिंतन करें, उत्तर दे दूं मैं गौरव जी, जनता पार्टी की बुराइयां करना क्या खराबी है उस पे लगे हुए हैं। गौरव जी मैं समझता हूँ कि वोट परसेंटेज लगातार घट रहा है आपका, नंबर ऑफ कॉर्पोरेटर्स भी घट रहे हैं, फिर भी आपको गब्बर सिंह टेस्ट या टेक्स्ट याद आ रहा है। आप अपनी बात करिए ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखिए आ जाइए अभी अपनी पे आ रहा हूँ, विधानसभा से कांग्रेस का 7 सीटें, अरे सर सुन लीजिए ना गौरव जी, शून्य सीट, अरे सर सुन लीजिए ना आप जरा, क्यों नहीं करते आप सुन तो लीजिए, नहीं मैं आपसे मथुरा जैसी सीट में 14-14 कॉर्पोरेटर जीते हैं कांग्रेस के, आज मथुरा जैसी सीट में जहां पर हमारा सूपड़ा साफ हुआ था 6 महीने पहले वहां हम 14 कॉर्पोरेटर जीत कर आए हैं, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, नंबर ऑफ कॉर्पोरेशन जो हमारी है वो भी बढ़ी है, नंबर ऑफ कॉर्पोरेटर भी बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं विनम्रता से उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें वापस आने का मौका दिया, आज वापस आते गुजरात पे वही सही नहीं भैया, माफ करिए, अरे भाई पिछले जनता, अरे भाई पिछले, अरे भाई पिछले चुनाव के 2 दिन बाद आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए 25-25, अरे भाई आप देखिए किसानों के ऋण माफी के चेक भेज दिए, उसके बावजूद क्राइम बढ़ गया, फिर भी आप कैसे जनता पार्टी में क्या बिल्कुल मैं कह रहा हूँ विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ, लेकिन भाजपा जो कह रही है उत्तर प्रदेश जीते हैं इसलिए हम यूपी जीतेंगे, इसका मतलब तो सीधा सीधा के भाजपा गुजरात हार गई,
क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निर्भर है गुजरात का चुनाव। गुजरात मॉडल फेल, गुजरात मॉडल फेल। चलिए मॉडल पर वोट अगर जैसे अगर आज के परिणाम को आप अपनी जीत कहते हैं तो 18 तारीख को फिर देखेंगे कि आपकी कैसी जीत होती है। आप आइएगा जरूर अलोकजी चर्चा में, जी न्यूज पे बैठ के मिठाई का लड्डू आपको ना खिलाया तो जो आप कहे हार जाएंगे। जी पर आप दोनों आइएगा, दोनों अपने अपने जो आज दावे और वादे कर रहे हैं उसका कच्चा चिट्ठा बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। नहीं नहीं, सुरेंद्र भदौरिया साहब, हाँ सर एक सेकंड, सुरेंद्र भदौरिया जी मुझे ये बात बताइए कि पूरा देश अपनी पार्टी की बात नहीं करते। अरे भाई 12 में से पहले ही आपके पास 1100 आप दोनों फिर वापस एक सेकंड, आपके दो और मेहमानों का 10-10 साल से आप लोग आलोक जी आपने दो और मेहमानों की इज्जत कर लीजिए सर, दो और मेहमानों की इज्जत कर लीजिए, उनसे भी मुझे सवाल पूछने हैं। सुरेंद्र भदौरिया साहब मुझे ये बताइए कि पूरे देश में ये हवा, ये लहर, विकास का दावा, विकास का वादा जो लगातार चल रहा था, ये वोटों में भी तो तब्दील हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि ऑपोजिशन अपनी उस पकड़ को मजबूत नहीं कर पा रहा है, क्या वजह है कि इतनी बातें कह देने पर भी यकीन नहीं हो पा रहा है देश की जनता को ऑपोजिशन पर, कांग्रेस पर या BSP पर या समाजवादी पार्टी पर। देखिए एक चीज जान लीजिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक प्रश्न होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कुछ प्रश्न होता है, और पंचायतों में अलग सवाल होते हैं। ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीयकरण का चुनाव है। विकेंद्रित व्यवस्था में नगर निकाय कैसे मैनेज किए जाएं, कैसे काम चलाया जाए, उसका बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार इसमें दस्तक दी। इस दस्तक के अंदर भी वो वोट शेयर में भी और परिणामों में भी नंबर 2 पर आई है। पहली बार दस्तक देने पर मैं ये भी कह दूं आपको कि वोट का प्रतिशत आप निकालें तो BJP की तुलना में विपक्ष बहुत ज्यादा आगे होगा। और मैं ये कह दूं इस बात को इसके साथ साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब GST नोटबंदी, किसानों की आत्महत्याएं और साथ ही साथ जो तमाम जुमले थे बेरोजगारी से लेके अन्य तमाम जुमले, इन पर जब प्रश्न होगा, जब इन पर चुनाव होगा तो निसंदेह योगी जी और मोदी जी दोनों पर लोग सवाल उठाएंगे, उनकी असफलताओं को भी गिनेंगे और फिर इनको बाहर का भी दरवाजा दिखाया जाएगा। गौरव भाटिया साहब जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है इस वक्त जिनके पास 0 लोकसभा सीट है और विधानसभा में क्या हल हुआ हम सब जानते हैं। मायावती जी अपने महल से निकलने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव प्रचार में जाती नहीं, उनसे मिलने के लिए 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। उसके बावजूद भी ये परिणाम आ रहे हैं गौरव भाटिया जी, और आपका मैं बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। आप जब वहां पर पहुंच गए हैं तो निसंदेह आपके जाते ही BJP का भी ग्राफ नीचे आने लगा। प्यार से मैं कह रहा हूं आज के दिन तो आपको हमें बधाई देनी चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा भी राजनीति में नहीं रहा कि जो विरोधी हो वो आके बधाई दे दे चुनाव के नतीजों में। शुभ पद जब आप पहुंच गए हैं, आपके ये जो शुभ पद है पद चापों से कितने हजार करोड़ घोटाले करके हाथी लगा दिए पत्थर के अलावा, मायावती को कुछ समझ में नहीं आया विकास क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया 7 महीने में, योगी आदित्यनाथ जी ने इतना काम कर दिया जितना मायावती 5 साल में नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए जनता का विश्वास जीता जाता है। 5 करोड़ रुपए की माला पहनने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता है। याद है CMO मारे जाते थे आपके राज्य में, CMO जेल के अंदर मार दिए जाते थे, डिप्टी CMO मार दिए जाते थे। अब पर आपको मैं भारत का भविष्य है और भूल गए की बधाई। सुरेंद्र भदौरिया जी आप ही के सवाल को मैं आगे ले जाती हूँ जी। सर मुझे ये बताइए, मेहरुद्र जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये कह रहे हैं किसान की आप सुनते नहीं हैं, नौजवानों की आप सुनते नहीं हैं, बेरोजगारों की आप सुनते नहीं हैं, महिलाओं की आप सुनते नहीं हैं, और ये सबके सब जाकर वोट BJP को डालते हैं। नहीं रूबिका जी, वोट परसेंटेज घट रहा है BJP का लगातार। एक सेकंड सर मैं जवाब ले लेती हूँ जो मेहरुद्रा साहब। हाँ बताइए मेहरुद्रा साहब। देखिए मुख्य बात ये है कि गुजरात के चुनाव से और यहाँ चुनाव जो हुए उसका कोई संबंध नहीं है।
गुजरात में 22 सालों से भाजपा की सरकार है और वहां पर मुद्दे अलग हैं, और ये बात साफ है कि गुजरात में अगर वो कहते हैं कि यहाँ हम जीत गए वहां जीत जाएंगे, बड़ी बात इसका मतलब है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में, क्यों समाजवादी पार्टी को 5 साल में ही जनता ने नकार के हटा दिया। गौरव भाटिया जी, योगी साहब अपना वार्ड हार गए उसकी चिंता कर लीजिए, योगी साहब अपना वार्ड हार गए, नहीं अरे आप प्रसाद मौर्य जी अपना पूरा जिला हार गए, योगी आपके भी थोड़ा चिंता कर लीजिए, प्रदेश के हैं आपको मालूम ही नहीं योगी है। जी अपना वार्ड स्वयं का वार्ड हार गए, काम कर दिया अमेठी अमेठी में अभी 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 रिजल्ट आया है, अमेठी की एक सीट का जिसका रिजल्ट आया था बड़ी चिंता, उस पर पूर्णिमा श्रीवास्तव हार करेंगे, हमें चिंता है, आपको तो चिंता नहीं, बाकी पर एक पर बीजेपी जीती है, एक पर सपा जीती है, चिंता कर लेंगे आप, मत चिंता करना, शून्य पे आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अमेठी का जो बार बार सवाल उठ रहा था अभी अभी रिजल्ट आया है, एक सीट वहां पर पूर्णिमा श्रीवास्तव जीत गई, चार में से आप जब बोल बीजेपी नहीं जीती, ये तो हाल है, पचानवे कैंडिडेट, पचानवे नगर, पचानवे नगर पालिका इंडिपेंडेंट जीत रही है, बीजेपी को तो सोचना चाहिए, चिंतन की बात है बीजेपी के लिए। गौरव भाटिया एक सेकंड मुझे बताइए, ये एक राजेश परियार साहब है जो ये लिख रहे हैं, इतने दिन भी ना गुजारो गुजरात में कि अमेठी भी ना रहे हाथ में। आप देखिए, मैं समझता हूँ ट्विटर पे कौन कौन क्या क्या डालता है, उसकी उसका विषय नहीं, व्यूअर है ना, गुजरात का व्यूअर है, हो सकता है आपका वोटर भी हो, मैं व्यूअर का भी सम्मान करता हूँ, वोटर का भी, और जो अपोजिशन वाला है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन गुजरात में चुनाव चुनाव सर पर है और गुजरात में चुनाव हम जीतेंगे, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। कितनी सीटें लाएंगे गुजरात में? 125 से ज्यादा सीटें हैं, 125 से ज्यादा सीटें आपके आने वाली हैं जी, लेकिन लोकल लीडर कांग्रेस का कोई नहीं है वहाँ पे, भरत सोलंकी, अर्जुन मोड़वाड़िया, तमाम लोग हैं वहाँ पर जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग विजय रूपाणी जी को पर्दे के पीछे रखे हुए, विजय रूपाणी जी का कहीं नाम नहीं है मुख्यमंत्री का, तो पंचायत चुनाव भी होते हैं तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ते हैं आप लोग, चुनाव के नतीजे आएंगे आपको पता चल जाएगा, 18 तारीख को मैं जरूर बैठूंगा जी न्यूज पर आपके साथ, आपको जरूरत क्यों पड़ी अल्पेश की, जिगेश की, क्योंकि आप लोगों ने बहुत धोखा दिया इसलिए वो हमारे साथ आकर खड़े हुए और वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम जनता की आवाज उठाते हैं, आप पांच लोगों की आवाज क्या हाल हुआ आपने देखा, आपको आप लोग पांच लोगों की गुजरात में आवाज उठाते हैं, बाकी सब लोग गुजरातियों की आवाज उठा रहे हैं, जो भी गुजरातियों की आवाज उठाएगा, गुजरात की विकास की बात करेगा, वो हमारे साथ आएगा, हम उसके साथ रहेंगे। ईवीएम खराब है, ठीक है सर, आप मुझे कब जागेंगे आप, जब जागो तब सवेरा, अब तो जाग जाओ भैया, मुझे इजाजत लेनी होगी, आप लोग जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसका जवाब तो एक एक वोट से आप लोगों को मिल जाएगा, और आप दोनों यहाँ पर इन्वाइटेड रहेंगे, जो तारीख डिसाइडेड है, जब फैसला हो जाएगा किस्मत का, आपके चुनावी किस्मत का, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, वो पता लग जाएगा। बहरहाल आपसे एक अपील है, भारत की सेना के लिए अपील है, ये 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है, ऐसे में जी न्यूज चाहता है कि आप जवानों और उनके परिवारों की बेहतरी के लिए कुछ कीजिए, इसके लिए आप आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल्स और चेक के जरिए मदद करने के लिए बैंक खाते में जानकारी ये जो आपके सामने है इसे नोट कर दीजिए, और अगर जल्दबाजी में आप ना कर पाए तो हम दोबारा इस जानकारी को लेकर आएंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इसमें आपके मदद की जरूरत है।